नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो नौ प्रवेशी छात्र छात्राएं हैं जो इस बार पीजी का एंट्रेंस दे रहे हैं, यानी कि एमए हुआ, एमएससी हुआ, एलएलबी हुआ, एमकॉम हुआ, एमबीए हुआ, इसके साथ साथ जो बीएड का जो एंट्रेंस दे रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आज एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। और आप सबकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि आपके पेपर का पैटर्न क्या होगा, यानी कि जो प्रवेश परीक्षा में सवाल आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, क्योंकि इस बार ब्रसल्स में कुछ और कहा गया है और इन्फॉर्मेशन भी कुछ और निकली हुई है। तो सबसे पहले हम पेपर का पैटर्न जानते हैं। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे पुराना पैटर्न था वही पैटर्न रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है, बस आपके समझने में थोड़ी सी हेर और फेर है। इसका मतलब ये है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस की परीक्षा होती है वो 300 नंबर की होती है पीजी वालों के लिए। 300 नंबर में आपके हर एक सवाल का जवाब आपको दो नंबर हर एक सवाल के लिए आपको रहता है। जैसे एमए का एंट्रेंस होता है तो एमए और एमएससी और एमकॉम सबके जो एंट्रेंस परीक्षा होती है, इन सबके लिए जो 50 सवाल रहते हैं आपके, जो कंपल्सरी रहते हैं, यानी सेक्शन ए में जो 50 क्वेश्चन रहते हैं वो कंपल्सरी है। उन 50 सवाल में से आपका आएगा कि जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी और रीजनिंग आएगी आपकी, और इससे संबंधित जो है तार्किक विमर्श और बौद्धिक क्षमता से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, वो सब दो दो नंबर के रहेंगे। इसके बाद जो 50 सवाल आगे रहते हैं, यानी कि जैसे कि किसी का कोई विद्यार्थी अगर हिंदी से एमए करना चाहता है तो आपके जो ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट आपने थर्ड ईयर में लिए होंगे तो उन 2 सब्जेक्ट का भी पेपर आपके साथ इंक्लूड रहता है। मान लीजिए कि मेरा जो है बीए आखिरी साल में मेरा हिंदी और फिलोसफी था, तो जब हम एमए के एंट्रेंस की परीक्षा देने जाएंगे तो सबसे पहले हमको 50 सवाल कंपलसरी मिलेंगे जो दो दो नंबर के रहेंगे, वो सभी के लिए कॉमन सवाल रहेंगे। फिर हमको सब्जेक्ट वाइज सवाल मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज सवाल मिलने का मतलब ये है कि हमको 50 सवाल हिंदी का दिया रहेगा और 50 सवाल हमको फिलोसफी का दिया रहेगा। मान लीजिए कि हम हिंदी से प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं तो हम उस हिंदी के 50 सवाल को टैकल करेंगे। मान लीजिए कि हम फिलॉसफी के भी सवाल को अटेम्प्ट करना चाहते हैं उतने ही समय में, तो हम फिलॉसफी के भी 50 सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट वाला जो वेटेज है वो 1 सवाल का 4 नंबर, यानी कि 50 × 4 = 200, और इधर 50 × 2 = 100, यानी जो सभी के लिए कंपलसरी है वो 100 नंबर का पेपर है, यानी जो सेक्शन ए है आपका वो 50 × 2 यानी कि 100 मार्क्स रहेगा। और अगर आप हिंदी अटेम्प्ट करते हैं तो 50 × 4 = 200, तो 200 + 100 = 300, तो ओवरऑल आपका 300 में निकलेगा। जैसे होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ साथ दो दो विषय की एंट्रेंस परीक्षा देते हैं, जैसे पहला आपको सब्जेक्ट चूज करना है जो आपके ग्रेजुएशन में है, जो आखिरी ग्रेजुएशन में आपके रहा, दूसरा भी आपको वही ऑप्शन मिलेगा, तीसरा आता है नॉन सब्जेक्ट पे हम जाते हैं। तो जब हम इन दोनों विषयों को अटेंड करते हैं, तैयारी तो हमें ही ग्रेजुएशन के दोनों विषयों की ही करनी है, उसके बाद नॉन सब्जेक्ट में इन दोनों का रेशियो मिला के कट ऑफ निकलती है। तो जो हम तीसरा, जैसे मान लीजिए कि हम अगर हिंदी और फिलोसफी हमारा है और हम एमए करना चाहते हैं जियोग्राफी से, तो हमको तैयारी हिंदी और फिलोसफी की ही करनी होगी, बशर्ते उसमें बेहतर नंबर पा करके दोनों का औसत जब निकाला जाएगा तब नॉन सब्जेक्ट की कट ऑफ निकलेगी, तब उसमें हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये बात होती है। तो 50 नंबर का आपका कॉमन रहेगा, यानी कि उस कॉमन में जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी, कुछ रीजनिंग के सवाल रहेंगे, कुछ हल्का सा मैथमेटिक्स रहेगा, हल्का फुल्का पूछ लेगा, वो 50 सवाल आपके दो दो नंबर के रहेंगे। और 50 सवाल आपके रहेंगे चार चार नंबर के, यानी कि जो आपके सिर्फ सब्जेक्टिव, यानी कि आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है, यानी स्नातक में आपने जितना पढ़ा है उससे संबंधित आपके 50 सवाल रहेंगे, जिनका जो वेटेज है वो चार चार नंबर का है। तो कुल मिलाकर के 300 नंबर इधर हो जाते हैं। एलएलबी के एंट्रेंस की परीक्षा में 150 सवाल आपका आता है, 150, जिसमें आपका लीगल एप्टीट्यूड आता है, लीगल स्टडी आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, मैथ आता है, जनरल साइंस आता है। तो ये सारी चीजें एलएलबी के एंट्रेंस की परीक्षा में, एलएलबी के एंट्रेंस की परीक्षा में 150 सवाल रहेंगे, 150 सवाल दो दो नंबर के रहेंगे, यानी 300 नंबर की इसकी प्रवेश परीक्षा होगी। जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं वो सब 300 नंबर की ही प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन थी, जैसे बीसीए में भी इधर 50 सवाल कॉमन रहेंगे, उधर फिर आपका आ जाएगा 50 × 4 = 200, मतलब एनसीए की बात कर रहा हूं मैं, बीसीए तो सीयूटी में आ गया है। तो ये सारी चीजें हैं। एलएलएम, बीएड, एमएड, एमबीए और एमबीआरटी की प्रवेश परीक्षा प्रारूप के लिए संबंधित विवरण पुस्तिका ब्रोशर्स में देखें। तो इसका मतलब ये है कि 100% संबंधित विषय से होंगे, यानी 50 सवाल कॉमन रहने वाले हैं,
उसके बाद 100 सवाल आपके यहाँ पे बीएड में 150 सवाल रहेगा और एमएड में भी 150 सवाल रहेगा और एलएलएम में भी 150 सवाल रहेगा। तो वही पूरा एकदम प्रारूप है कि एमए अगर आप कर रहे हैं, अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपका यही रहेगा कि सब्जेक्ट वाले जो 50 सवाल रहेंगे उसका वेटेज 4 नंबर का रहेगा एक सवाल का, और जो सबके लिए कॉमन रहेगा उसका वेटेज 2 नंबर का रहेगा, यानी 15:2=100। वो एमए की भी परीक्षा में वही आएगा, एमएससी के भी लोगों के लिए वही भी आएगा, सारी चीजें कॉमन रहेंगे। लेकिन अब सब्जेक्ट सबका अलग अलग है तो इस तरीके से ये मामला इधर पूरा अलग रहेगा। ये बातें हैं, ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए जो भी पीजी का एंट्रेंस दे रहे हैं। आप सब अभी अपने फॉर्म को भर रहे हैं, फॉर्म के साथ साथ आप तैयारी भी करते रहिए जिससे कि आपकी प्रवेश परीक्षा बहुत बेहतर जाए। किसी भी सवाल के लिए लगातार जुड़ी रहिए, मैसेज करते रहिए, समय मिलने पर जवाब दिया जाएगा। बाकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और साथ ही साथ इस चैनल के साथ आप जुड़ जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।